गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बाल महाभारत चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में दो महाकाव्य प्रसिद्ध है, एक महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, जिसका अभ्यास आपको कक्षा 7th में करना है। दूसरा महाकाव्य है रामायण, जिसके रचयिता है कवि वाल्मीकि। कवि वाल्मीकि ने ये जो आर्ष महाकाव्य लिखा है, उसका अभ्यास हमें इस कक्षा में यानी कि 6th में करना है। यूनिट टेस्ट 1 में दो चैप्टर आपके आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका अवधपुरी में राम, उसका अभ्यास करना है। पहले जान ले आप कि रामायण के रचयिता कवि वाल्मीकि, पहले उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उसका विस्तार से मैं वर्णन करने जा रहा हूं। कवि वाल्मीकि है वह पहले के जीवन में लुटेरे हुआ करते थे। जंगल में जो कोई निकलता था उनके सब पैसे संपत्ति वो लूट लेना, उसको मार देना, ऐसी ही प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे। एक बार घूमते हुए नारद जी है उसी जंगल में आ पहुंचे। नारद जी को देखकर वालिया लुटारा ने उसे रोकने का प्रयास किया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारद जी तो ठहरे संत। संत का स्वभाव यह होता है स्वयं अपने आप को जीवन की नौका बनाकर तारना और दूसरों को भी तारना। स्वयं तो तैरते हैं लेकिन दूसरों को भी तारते हैं, यह संत का स्वभाव है। लुटेरे को एक ही प्रश्न पूछा उसने, कहा कि चलो मेरे पास तो कुछ है नहीं लेकिन मुझे बताओ ये तुम जो काम कर रहे हो जिसका पाप है वो तुम्हें लगता है, सारी संपत्ति पर तो तुम्हारे परिवार का आधा आधा हिस्सा तो मिलता होगा ना। जी हाँ, मैं जो भी कुछ लूटता हूं उसका आधा हिस्सा मेरे परिवार को मैं दे ही देता हूं, तो तुम जो कार्य कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, क्या उसका आधा हिस्सा भी वो लोग बांटेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं बांटेंगे, फायदा और नुकसान दोनों में ही साथ होता है। नारद जी ने कहा तो एक बार घर पर जाकर पूछ तो लो कि क्या जो तुम पाप कर रहे हो उसमें वो बराबर के शरीक है कि नहीं। उसकी बात सुनकर वालिया लुटारा अपने घर पर जाता है और कहने लगा, मैं कुछ जो संपत्ति लाता हूं उसके बराबर के हिस्सेदार आप है, तो क्या मैं जो कृत्य करता हूं, पाप कर्म करता हूं, उसके भी आप हिस्सेदार हो ना? सभी ने एक सुर में कह दिया, नहीं भाई हो, हम तो तुम्हारे पाप कर्म में हिस्सेदार नहीं हैं। जो तुम धन द्रव्य लाते हो, संपत्ति लाते हो, वो तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य है, हमें पालन पोषण करना, लेकिन पाप कर्म तुम्हारा है। आज वालिया की आंखें है वो खुल चुकी, उसे लगा कि संत सही कह रहे थे, नारद जी सही कह रहे थे कि यहां जो पाप कर्म है उसके कोई भागीदार नहीं होगा, वो तो मुझे ही भुगतना होगा। इसलिए तुरंत ही सारी माया को छोड़कर वह नारद जी की शरण में गया। नारद जी की शरण में जाकर कहने लगा, नारद जी
पाप कर्म में कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने ये कर्म छोड़कर साधु संत बन जाने का निश्चय कर लिया। मैं आपकी तरह ईश्वर का भजन करूंगा और प्रभु प्राप्ति का मार्ग ढूंढूंगा। आप मुझे दीक्षा दीजिए। नारद जी सोच में पड़ गए, इसको मैं दीक्षा दूं? इसका काम तो केवल लुटपाट करना ही था, तो ये क्या जीवन का उद्धार कर पाएगा? फिर भी कहा कि चलो तुम कठोर तपश्चर्या करो, तप करने से तुम्हारे पाप है वो क्षीण हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मंत्र का जाप सिखाइए मुझे। नारद जी सोच में पड़ गए कि इसने पूरी जिंदगी सभी को मारा ही है, कुछ शास्त्र का तो ज्ञान है नहीं, तो क्या मैं उसको मंत्र दूं? इसलिए उसके स्वभाव के अनुसार कहा कि तुम मरा मरा का जप करना, मरा मरा का जप करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नारद जी को गुरु बनाकर ये वालिया है वह तप के मार्ग पर चल पड़ा और मरा मरा शब्द का जाप करते हुए निरंतर जाप करने लगा। मराम राम 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 हो गया, यानी कि शब्द उलट गया, मरा में से राम हो गया। उसका जो जीवन था वह फिर से सवरने लगा, पाप सभी नष्ट होने लगे। जहां क्रूरता वास कर रही थी, क्रूरता जहां निवास कर रही थी, वहां करुणा ने स्थान पा लिया। सच्चे अर्थ में वह वालिया से वाल्मीकि बन गए। आश्रम बनाकर वह नित्य ईश्वर में लीन होते रहे। एक दिन वह तमसा नदी के किनारे जाकर सूर्य नारायण को अर्घ देने लगे। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्नः। हे सूर्य नारायण, मैं आपको अर्घ्य देता हूं, ये कहकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए वह जैसे ही अर्घ्य देने लगा, तब उसकी नजर है वाल्मीकि की नजर क्रौंच युगल पर गई। क्रौंच और क्रौंची दोनों प्रेमालाप कर रहे हैं। उसकी यह प्रेम क्रीड़ा देखकर वाल्मीकि उसकी और एक नजर से देखने लगे। तभी उसकी नजर है एक निषाद, एक पारथी पर जा गिरी। पारथी है वह तीर चढ़ाए, धनुष पर तीर लगाए खड़ा हुआ था। अभी वो रोके कुछ समझे, उससे पहले तो निषाद राज ने वो तीर चला दिया, तीर सीधे ही क्रौंच नर पक्षी पर जा लगा। वो क्रौंच पक्षी है तड़प तड़प कर मरने लगा। उसकी ये अवस्था देखकर उसकी जो पत्नी क्रौंची थी वह भी विलाप करने लगी, अपना सिर उस पर पटकने लगी और वहीं पर क्रौंच पक्षी के साथ उसने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये करुण दृश्य देखकर वाल्मीकि की करुणा का पार न रहा, शोक का पार न रहा, उसका हृदय दुखी हो गया और निषाद राज को देखकर वह उसके मुंह से अनुष्टुप छंद में एक श्राप निकल आया। उसने श्राप देते हुए कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम, मां निषाद प्रतिष्ठाम, त्वं गमः शाश्वती समाः, यद क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहित। अर्थात हे निषाद राज, तुमने क्रौंच और क्रौंची युगल को, तुमने उसकी निर्दोष युगल को, तुमने उनकी हत्या की है। जीवन पर्यंत तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। श्राप निकल गया। उसके मुंह से श्राप निकल से ते ही उसे पछतावा होने लगा, पश्चाताप होने लगा, कहने लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया। निषाद राज का स्वभाव ही ऐसा है,
लेकिन ये आश्चर्य की बात थी कि जो उनके मुंह से श्लोक निकला वो पहली कविता थी, अनुष्टुप छंद में थी। वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को आदेश देते हुए कहा, हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से ये अनुष्टुप छंद में जो कविता निकली है उसी कविता में तुम्हें रामायण की रचना करनी है। रामावतार से पहले ही तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा, सारी घटनाओं का क्रम तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें विष्णु के अवतार श्री राम जो जन्म लेने वाले हैं उसकी कथा का लेखन करना है। वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी के आदेश पर रामायण की रचना की। 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना हुई। उन्होंने 7 अध्याय, यहां अध्याय को कांड कहा गया है, 7 अध्याय में रामायण का लेखन किया। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड जिसको युद्ध कांड भी कहा जाता है, और 7वां कांड उत्तर कांड। इस तरह 7 कांडों में पूरी रामायण का लेखन वाल्मीकि द्वारा किया गया। इस रामायण को पढ़कर काफी सारे कवियों ने अलग अलग भाषाओं में उसका भाषांतर किया, जिसमें तुलसीदास जी की जो रामायण है उसका भी यहां उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक श्लोकी रामायण में पूरा सार दिया गया है। पूरी रामायण का जो सार है एक ही श्लोक में दिया गया, वो कौन सा है? आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगाम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वालेने ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्विरामायणम। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा यहां कही गई है। रामायण हमें ये सिखाती है कैसे जीवन जीना है, भाई भाई के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता की आज्ञा का क्या मोल होता है, माता की और पिता की आज्ञा को राम ने कैसे चरितार्थ किया, और पत्नी स्वरूपा सीता ने कैसे पति का विश्वास पाकर दुष्ट ऐसे रावण का भी संहार करवाया। जो तुच्छ मानव मानते हैं ऐसे रावण को भी उनका अभिमान का दंड मिला। पूरी राम कथा बहुत सुंदर रूप से उपदेश से भरी हुई है। रामायण हमें ये सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए, और महाभारत हमें ये सिखाता है कि हमें ये ऐसे जीना नहीं है। इस तरह हमारे पहले चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है अवधपुरी में राम। ये बालकांड का ही चैप्टर है, अवधपुरी में राम। अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर नगरी है, जिसका वर्णन यहां विस्तार से दिया गया है। उसकी ऊंची ऊंची इमारतें महल से कोई कम नहीं है। उनका जो उद्यान है, चौड़े रास्ते, बाग बगीचे, उनको देखकर यह लगने लगा है
कि ऐसा सुंदर उपवन, ऐसी इमारतें, ऐसे भवन जो उनकी समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि क्यों ना हो, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। कौशल देश की राजधानी ये अयोध्या है, जिस पर राजा दशरथ राज कर रहे हैं। राजा दशरथ का जो ये कुल है वो रघुवंशी कहा जाता है, सूर्यवंशी भी कहा जाता है। महाप्रतापी राजा इस कुल में अवतरित हुए, जिसमें रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण का, वचन का इतना महत्व दिया गया है कि अपने प्राण देकर वह पूरा करते हैं। राजा दशरथ है, अज के पुत्र है, महाप्रतापी है, वीर है, धीर है, गंभीर है, दानवीर है और प्रजावत्सल राजा है। कहीं भी दुख की जो परछाई है इस नगर को छू भी नहीं पाई है। दुख क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं है। सुख वैभव में सारी नगरी है, वह राज रही है। महाराजा दशरथ भी अपने तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्र के साथ आनंद से रहते हैं। इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी दशरथ के मन में एक दुख है। वो दुख है संतान न होने का। अब अवस्था भी ढलती जा रही है। राजा को चिंता है कि मेरे बाद इस गद्दी पर कौन बैठेगा, मेरा वारिस कौन होगा। बड़ी चिंता कर रहे हैं। तीनों रानियां भी संतान न होने से उदास रहती है। महाराजा दशरथ है वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए जाते हैं और अपना दुख है उसे सुनाते हैं। कहते हैं कि हे गुरुवर, आपकी कृपा से सुख वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने का दुख है वो मेरे इस जीवन को बार बार दुख दे रहा है। गुरु वशिष्ठ ने उसका उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर तुम पुत्रिष्ट यज्ञ करो तो तुम्हारा ये कार्य है सफल हो जाएगा, तुम्हारा ये दुख मिट जाएगा। गुरु के वचन पर विश्वास करते हुए राजा दशरथ और तीनों रानियों ने कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार हम यज्ञ करेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं ये यज्ञ नहीं करवा सकता, लेकिन उसके लिए आपको ऋषि श्रृंग के पास जाना पड़ेगा। ऋषि श्रृंग है, वही पुत्रष्टि यज्ञ करवा सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि सेना के साथ हम ऋषि के आश्रम में जाएंगे। वशिष्ठ ने रोकते हुए कहा, देखो राजा, यहां तुम कुछ मांगने के लिए जा रहे हो, युद्ध के लिए नहीं। सेना की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ और उनकी तीन रानियां पैदल चलते हुए ऋषि श्रृंग के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दुख की बात कही कि हमारी सुख सुविधा का कोई पार नहीं है, लेकिन एक दुख हमें बहुत सताता है, निसंतान होने का। श्रृंग ऋषि ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाने की अनुमति दी, कहा कि मैं पुत्रष्टि यज्ञ करवाऊंगा, आप तैयारियां करवाइए। हर्षित होते हुए राजा दशरथ अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या आकर उन्होंने यज्ञशाला का निर्माण करवाया। सभी राजा महाराजा साधु संतों के लिए ठहरने का प्रबंध करवाया गया। सभी व्यवस्थाएं, पूरे नगर को सजाया गया। सभी राजाओं को और सामंतों को और
ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। पुत्रष्टि यज्ञ शुरू हुआ। सभी राजा, बड़े बड़े राजकुमारों और साधु संतों ने आकर उसमें उस यज्ञ में आहुति दी। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। जैसे ही राजा दशरथ ने यज्ञ में आहुति दी, उसमें से यज्ञ नारायण प्रकट हुए। उसके आशीर्वाद से तीनों रानियां गर्भवती हुई। उचित समय आने पर कौशल्या ने कुमार को जन्म दिया और वो तिथि थी, नवमी तिथि थी, मधुमास यानी कि वसंत ऋतु थी। ये कहा जाता है कि भगवान को अभिजित नक्षत्र है, बहुत अति प्रिय था, शुक्ल पक्ष था। राम का जन्म हुआ। जा नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता, मध्यम दिवस अति शीतन धामा, मध्यम दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि थी, मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र था। बराबर दिवस दिन के 12 बजे थे, मध्य दिवस था। न गर्मी थी न ठंड थी। इस समय श्री राम का जन्म हुआ। दौड़कर दासी ने समाचार दशरथ को दिए कि कौशल्या को नंद भयो है। उसको ये समाचार सुनकर राजा दशरथ हर्षित हुए, आनंदित हुए। अपने गले से मोतियों का हार देकर दासी को विदा किया। दौड़ती हुई दूसरी दासी आई और समाचार देने लगी। महाराजा कैकेयी को भी कुमार का जन्म हुआ है। स्वर्ण मुद्राएं दासी को भेंट की। दो दासियां दौड़ते हुए सुमित्रा के कक्ष से आई और समाचार दिए कि सुमित्रा ने दो कुमारों को जन्म दिया। राजा दशरथ का तो आनंद का पार नहीं है। आज आनंद में पूरे शहर में, पूरे अयोध्या नगरी में आनंद के मृदंग बजाए गए, पूरे नगरी को सुशोभित किया गया। आज बड़ा उत्सव मनाया गया। राम और लक्ष्मण चारों भाई की ये जो बाल लीला है, उसमें दशरथ है, अपना बुढ़ापा, अपना जीवन है, सब भूल चुके, बच्चे के साथ बच्चे बनकर खेलने लगे। कुलगुरु वशिष्ठ ने आकर चार कुमारों का नामकरण किया। सबको आनंद देने वाले कौशल्यानंदन का नाम राम रखा गया। दूसरी रानी कैकेयी, जिसके कुमार का नाम भरत रखा गया, क्योंकि वह धीर गंभीर है और वचन पालन, नीतिमता, धर्म में अडिग है। सुमित्रानंदन, सबसे छोटे बालक का नामकरण शत्रुघ्न हुआ, क्योंकि शत्रु उनकी धार से भयभीत हो जाएंगे। ये गुरु वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की। राम की परछाई की तरह चलने वाले दूसरे कुमार सुमित्रानंदन का नाम लक्ष्मण रखा गया। इस तरह चारों भाइयों के नामकरण हुए। राम,
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों कुमारों को योग्य समय आने पर पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। गुरु वशिष्ठ ने चारों कलाओं, शस्त्रास्त्र की विद्या, संगीत की कला, चौसठ कलाओं का जो ज्ञान है वशिष्ठ ऋषि ने अपने आश्रम में दिया। राम जब तक 16 वर्ष के हुए तब तक उनका अभ्यास चलता रहा। श्री राम के गुणों से गुरु वशिष्ठ भी प्रभावित हुए, क्योंकि अल्प समय में ऐसे ऐसे शस्त्र का ज्ञान है सहजता से उन्होंने ग्रहण कर लिया। साथ में उनका जो विनय है, विवेक है, धर्म के प्रति रुचि है, न्याय संबंधित बातें है, धीर गंभीरता है, ये देखकर गुरु वशिष्ठ को बड़े प्रिय थे। उसी के कारण राजा दशरथ को भी वो प्रिय थे। शिक्षा समाप्त होते ही गुरु वशिष्ठ है चारों कुमारों को लेकर अयोध्या नगरी में वापस आए। उसका जोर से स्वागत किया गया चारों माताओं ने। चारों कुमारों को अपने पास थोड़े दिन के लिए रखा और बाद में दशरथ राजा को लगा कि अब कुमार बड़े हो चुके हैं, उनके लिए विवाह का प्रबंध करना चाहिए। सुशील और गुणवान सुंदर पत्नी उसे प्राप्त हो, ऐसा विचार करके राजा दशरथ ने पुरोहितों को बुलाया, प्रधान मंडल को बुलाया और उसकी चर्चा होने लगी कि कौन से राजा की कौन सी कुमारी है जो हमारे राम, लक्ष्मण और भरत के लिए उपयुक्त है, उसकी खोजबीन कर की जाए। तभी एक दूत दौड़ता हुआ राज्यसभा में प्रवेश किया और वो घबराया हुआ था। राजा दशरथ ने कहा, बोलो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, विश्वामित्र हमारे दरबार में पता रहे हैं और आपसे भेंट करने की आज्ञा मांग रहे। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर से खड़े हो गए। वो जानते थे कि विश्वामित्र है कोई सामान्य ऋषि नहीं है, कोई सामान्य तपस्वी नहीं है। वो जानते थे कि विश्वामित्र एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने अपने पूरे राज्य का त्याग करके वन के ओर प्रस्थान कर लिया और वहां कड़ी तपश्चर्या और कठिन तप के साथ उसे कई सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने सिद्धाश्रम नाम के आश्रम की स्थापना की थी और वही आश्रम में रहकर वह अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। इसलिए वह स्वयं उसका आदर समेत लाने के लिए खड़े हुए। और एक और भी बात थी कि विश्वामित्र है वो क्रोधी भी थे, इसलिए स्वयं उनका स्वागत करने के लिए महाराजा दशरथ आगे बढ़े। उचित स्वागत करके उसका आदर सत्कार करके आसन ग्रहण करवाया और राजा दशरथ ने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र के आने का कारण पूछा। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं आज तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा कि जो मैं मांगूंगा वह तुम दोगे। महाराजा दशरथ ने कहा, आप मांगे और मैं मना कर दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? मांगिए गुरुवर, ऐसे नहीं, तुम वचन दो मुझे कि जो मैं मांगूंगा वो तुम पूरा करोगे। राजा दशरथ ने कहा कि आप जो कहते हैं मैं वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे मैं सहर्ष आपको निराश नहीं करूंगा, आपकी हर मांग है वो पूरी करूंगा। वचन से राजा दशरथ बंध चुके। तब विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, यह अनुष्ठान है जिस
में क्रोध करना वर्ज्य है। मैं राम को तुमसे 10 दिन के लिए मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि राम है वह ताड़का सुबाहु और मारिच का वध कर सकता है। वो राक्षस है, मेरे यज्ञ में हर हमेशा आकर विघ्न डालते हैं, मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होने दे रहे। ये बात सुनकर राम को मांगने के लिए आए, ये बात सुनकर दशरथ राजा है उसके पैरों तले से जमी है खिसक गई, क्योंकि राम तो उसे अत्यंत प्रिय थे। राम का वियोग का विचार सुनकर ही उसके मन में भय बैठ गया, डर के मारे उसके होश है वो गुल होने लगे और वहीं बेहोश होकर वह जमी पर गिर पड़े। सेवकों ने दौड़कर उसको संभाला, पानी दिया, तब जाकर उसको होश आया। होश आते ही वह विश्वामित्र को कहने लगे, हे प्रभु, राम तो अभी छोटा है, उसका अभी ही विद्याभ्यास पूर्ण हुआ है, उसकी आयु अभी 16 वर्ष की है। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी मृत्यु है, राम के हाथों होनी है, इसलिए तुम राम को मेरे साथ भेज दो। दशरथ ने कहा, राम मेरा प्राण से भी प्यारा है, आप कहें तो मैं और मेरे सैन्य आपके साथ चलता है। राम नहीं जाएगा। ये बात सुनकर विश्वामित्र है उसको क्रोध आ गया, लेकिन वो जानते थे कि मैं अनुष्ठान में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं क्रोध नहीं कर सकता हूं। इसलिए ऊंची आवाज में कहा, है दशरथ, तुम वचन देकर मुकर रहे हो, फिर रहे हो, तुम जानते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम अपने कुल को कलंकित कर रहे हो दशरथ, तुम्हें अपना वचन रखना होगा, वरना तुम अपना सुकृत है, तुम अपना पुण्य है वो नष्ट कर दोगे। विश्वामित्र की बातें सुनकर फिर से वो बेहोश हो गए। तब सेवकों ने पुनः उसे पानी देकर जगाया, लेकिन इस बार जैसे लग रहा था कि दशरथ है, थके हारे दिखाई दे रहे थे पुत्र प्रेम के कारण। तब वशिष्ठ ऋषि ने दरम्यान गिरी करते हुए देखा, मामला संभाल लिया, क्योंकि अगर विश्वामित्र क्रोधित हो जाएंगे तो अनिष्ट होगा, ये समझकर वशिष्ठ ऋषि उठकर दशरथ के पास गए और समझाने के रूप में कहने लगे, देखो दशरथ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र है, समर्थ है, वो चाहते तो उसी एक चुटकी में चुटकी बजाते ही इन राक्षसों का वध कर सकते थे, लेकिन समझ लो यहां राम को उसने निमित्त बनाया है और उसी के कारण उनको शस्त्र अस्त्र का दिव्य अस्त्र कोई प्राप्ति भी होगी। राम को राम का श्रेय उसी में है, उनको जाने दो विश्वामित्र के साथ। अब कोई विकल्प न बचने से दशरथ राजा ने एक और अनुमति, एक और प्रार्थना करते हुए कहा, मैं राम को आपके साथ भेज रहा हूं, लेकिन मेरी एक अनुमति है, प्रार्थना है कि आप उसके परछाई के समान उसका जो छोटा भाई है लक्ष्मण, उसको भी साथ में ले जाइए। विश्वामित्र ने उसकी बात रख ली, राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए। और तभी एक दास को बुलाकर राम और लक्ष्मण को दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। राम लक्ष्मण पिता की आज्ञा पाकर राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने पूरी बात सुनाई, कहा कि आपको विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने हेतु उसके साथ जाना है, और पिता की आज्ञा पाकर प्रणाम करते हुए विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण हैं वह चल दिए।
इस तरह यहां हमारा जो ये पहला चैप्टर है वह समाप्त होता है। अगला दूसरा चैप्टर है जंगल और जनकपुरी दूसरे एपिसोड में।